क्या है कि मैं इस देश के लिए जो चाहता था वो काम करीब करीब पूरा हो गया। हाँ, लगभग पूरा हो गया। कुछ कुछ बचा। तो इस देश का पूरा इलाका हमारा हो गया। कैसी बातें कर रहे हैं आप, तो पीएम है। आप तो पीएम है। तो पीएम की तरह बात करता हूँ, इस देश को बेच डालो। सेल 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 इट सेल इट आउट। ये क्या देख रहे हो आंखें फाड़ फाड़? हेलो, क्या हुआ बाबू? इस देश का प्रधानमंत्री होने के नाते इस देश को बेच भी नहीं सकता क्या? सर, इस देश की रखवाली के राइट्स हैं, बेचने के नहीं है। आमदनी बढ़ाने के लिए बेच रहा। अगर प्रधानमंत्री देश बेच देगा तो लोग चप्पल उतार के बहुत मारेंगे। ना, 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 ना। यहाँ के लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं इस देश के पिछले 500 साल के इतिहास को पढ़कर और समझकर ये बोल रहा हूँ। हाँ, मोहम्मद गजनी ने इस देश पर 17 साल तक राज किया और सब कुछ लूट कर चला गया, कोई कुछ बोला। फिर अंग्रेज आए, बचा खुचा सब कुछ ले गए, कोई कुछ बोला, कोई नहीं बोला। उसी तरह 2G घोटाला, चारा घोटाला, इन सब का बोल बाला, फिर भी कोई कुछ बोला। उसी तरह मुझे भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। करेक्ट बात बोली सर। पर सर, ये ऑपोजिशन पार्टी वाले और ये ब्यूरोक्रेट्स, सुनता क्या? जाहिल ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स सही पकड़े। उनकी भाषा में आउटसोर्सिंग, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अनाउंस कर दो और खरीद लो। हाँ, वो चुप रहेंगे, कोई मुंह नहीं खोलेगा। अनाउंस कर, उसके बाद बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाओ, उनको ऑक्शन कर दो, मतलब नीलामी, वो चाहे वो खरीद ले। हमारे गरीब लोगों को क्या पता, वो बेचारे कुछ नहीं बोलते हैं, बस चुप रहते हैं। बोलो भारत माता की। सारे बिक चुके हैं। जय, चलता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, देश को बेचने के लिए सरकार तैयार। नई सरकार का ये फैसला है कि देश के हर राज्य के हर चीज की नीलामी करेगी ये सरकार। रोड, रेलवे, हॉस्पिटल से लेके तीर्थ स्थलों तक, देश को सब्जी मंडी समझ रखा है। मैं प्रधानमंत्री के इस फैसले के खिलाफ जाऊंगा। क्या कहा?